ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लास्ट ब्लॉग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज का ब्लॉग है एक प्रॉपर गुजराती शादी के ऊपर। मैं जा रही हूँ सूरत एक शादी अटेंड करने, मेरे कजिन की शादी है और मेरे फैमिली में 12 साल बाद कोई शादी आ रही है। लिटरली 12 साल से मेरे किसी भाई बहन ने शादी नहीं की, तो बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस दिक्कत यही है कि मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इतना कंटाला आ रहा है अभी, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, रिलेटिव सब पहुँच गए, बस मैं अकेली घर पे हूँ। मैं बहुत लेट हूँ। हेलो, हाँ निकली गई चू पहुंचवाई। हाँ यार ये कितनी औसम है। चलो मैं भागती हूँ फटाफट, बाय। भाई थोड़ी उतावड़ कर रहा ना रोहन है ना बॉबी बनने टोपी बात छे साजे साफो आपो दे नहीं है ये पप्पा ने तो साफो बंदा था ना जो સાંજે હોય ને સાપાનું તો મજા આવશે વાદી ગંદી ક્યાં કલાક ના નહી 10 મિનિટ ના વિડિયો બે કલાક કલાક 1.5 મિનિટ ની હોય કે આમાં ફની આમાં હસી આવે છે આમાં નથી આવતી કાઢી નાખવા ના હસી આવે તો હસી કાઢવાનું તમે લોકો દુપટ્ટો લાયા નથી એક બી કેમ કરાવી મને 1.5 કલાક મોડી આવી પણ હું પહોંચવા જાય હતી 40 મિનિટ થી બેઠી છું તૈયાર થઈને રોહન ભાડું બી નથી કોતો ફોન બી નથી ઉપાડતો એવું તો ડોઝે ડોઝ પાણી નાખવાનો અવાજ હતો 40 મિનિટ કરતો હતો હું ડેસિબલ થી વધારે અવાજ નહીં કરવાનો આપણે तो हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं अभी और शायद 3-4 घंटे लगेंगे पहुंचने में। सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे, घुघरो फाटी गए हैं ना तो फाइनली हम लोग आ गए हैं सूरत 11 से 6, मतलब 7 घंटे इनोवा में पीछे बैठ के। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बॉडी पूरी अकड़ गई है। तुम सबसे छोटे होते हो ना तो तुम्हारे साथ यही होता है, क्योंकि वो लोग एज में बड़े हैं वो गाड़ी में पीछे फिट नहीं होंगे। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पे फटाफट रेडी होंगे, रेडी होके निकल जाएंगे तुरंत। चलो मिलते हैं, बाय। ના નીચે ઉતરીને કે માં ચીચી દુખી ગઈ છે તને જોઈને કોઈ ના કેવા આપડે બંને ભાઈ બહેન હશે એમ અમારે બંને ની હું સ્ટોરી મૂકું ને ઇન્સ્ટામાં તો એવું જ કે આ તાર ભાઈ જેવો નથી લાગતો, જો તો ખરા એકદમ વિરુદ્ધ, સૌથી લેટ મેં કર્યું, સૌથી વહેલા હું જ રેડી થઈ ગઈ. એ આ થોડું કપ્પું તમે લોકો નાયા? હા 4:15 નાયા.
બતન તૂટી જાય છે, પિન ભરાઈ જાય છે. લગન છે. દુલ્હન કા ભાઈ અભી લેને આયા કે ચલો 12 બજે બંધ હો જાયેગા ફિર ભી યે લોગ નાચ રહે ભૂખ લાગી છે આપણે ખાવા લગે છે કે યહાં હોતી હે 12 બજે કોઈ શાદી હમારે યહાં હોતી હે 12 બજે અભી શાદી શરૂ નહીં હુઈ ઇનકો 14 કો શાદી નહીં કરની થી વેલેન્ટાઇન્સ ડે હોતા હે તો 13 કો રખા શાદી 14 કો હી હો રહી હે 12 બજે કે બાદ હોને વાલી હે અભી પણ શાદી વાત કરના પડે તો આવે मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. रात के 12:30 बजे मैंने सोचा था यहाँ पहुँच के सीधा मैं खाने लगूंगी. मेरे को जूते दे दिए संभालने. इतनी शांत शादी तुम लोग ने कभी नहीं देखी होगी. बारात हमारी इतनी लेट आई, इतनी लेट आई. लड़की वालों के जो मेहमान थे सब चले गए वापस. अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे लोग हैं. जूतों का अपडेट देना रह गया था. मैं खाने बैठी थी, मेरे हाथ खाली नहीं थे और पीछे से कोई बच्चा आके लेके चला गया. बोलो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बहुत मज़ा आने वाला है. दोस्तों बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे. मुझे बस नींद आ रही है. मुझे अपने घर जाना है. मुझे ऐसा लगता है कि सूरत के गुजराती लोग थोड़ा सा तोतला बोलते हैं. अब घर जाइए रोहन. तू बस ट्रेनिंग करावे जने लोग ना फोटोजेनिक बनावाने. ચલ નીકળ. મોટા પાડી આપવાની બી તાકાત નથી હવે. આ તો તૈયાર, હું ખુદ તૈયાર થઈ છું. મેં જાતે જાતે પાડ લીધા. વિડીયો ભંગાર વિડીયો ઉતાર્યો છે. આમાં નખાય એવો બી નથી. ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ એવું કર. એકદમ ઝૂમ કરીને એકદમ વાઇડ એંગલ માં ઓલું કરી દીધું. આને મંદ બુદ્ધિ ધીમે જ કીધું હતું. બતા રહી હવે કાઢી મૂકી આમદા. 6.5 hours later. तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अहमदाबाद और सबकी हालत ख़राब है. पर कोई नहीं, बहुत मज़ा आया. अच्छा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों बाद. अभी मैं मेरे घर जा रही हूँ. जाके थोड़ा तो पहले सोने वाली हूँ मैं. एक और चीज़ कि मैं ये 2-3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 5-6 दिन तक जिम नहीं गई. आज तो मैं रेस्ट करूँगी. तो कल से हम वापस जिम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई हो गया, मेरा हो गया. चलो तो मैं अभी जाती हूँ मेरे घर फटाफट. मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है अभी और मेरे दिमाग को भी. आई होप तुम लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा और इस पर भी मुझे सेम या मेरे लास्ट ब्लॉग से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा. चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.